ओके, सेशन पे हम कॉम्बो बॉक्स को देखेंगे, यानी ड्रॉप डाउन ऑप्शन को हम किस तरह से हैंडल कर सकते हैं। तो लास्ट सेशन के अंदर हमने स्लाइडर को डिस्कस किया, और उसके बाद मैंने ये भी बताया कि आप किस तरह से उसे एज अ ऐड अपने एप्लीकेशन पे उसके फॉर्मेट को चेंज करवा सकते हैं। कॉम्बो बॉक्स को समझने के लिए आप कंट्रोलर पर आओगे और कॉम्बो बॉक्स लोगे, तो मैंने एक कॉम्बो बॉक्स यहाँ पर ऐड करवा लिया, देन अनदर वन सेकेंड एंड दिस वन थर्ड। तो तीन कॉम्बो बॉक्स मैंने यहाँ पर ऐड करवा लिए। तो फर्स्ट कॉम्बो बॉक्स पे क्लिक करने के बाद आप इस ऑप्शन पर आओगे, यहाँ से आप आइटम को ऐड करवा सकते हो। तो कुछ आइटम मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पर मौजूद थे, वो मैंने लिख दिया है यहाँ पर। तो अभी ये ऑर्डर पे मौजूद हैं, मैं इसे अनऑर्डर करता हूँ, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर पे फॉर एग्जांपल सॉर्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया, यहाँ पर ए लिख दिया, और यहाँ पर मैंने बी लिख दिया, और यहाँ पर मैंने लिख दिया डी। तो ऑर्डर आप देख रहे हो डिस्टर्ब है, और इस चीज़ को मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया, देन ओके प्रेस किया। यही कोडिंग मैंने यहाँ पर भी ऐड करवा ली फॉर अंडरस्टैंडिंग, ओके, और इसी तरह यहाँ पर भी ऐड करवा ली। तो तीनों जब प्रोग्राम रन होगा ये फॉर्म, तो यहाँ पर ऑप्शन दिखेंगे, इस चीज़ को हम देख लेते हैं, कंट्रोल एस कंट्रोल एफ फाइव। तो आप देखोगे जैसे मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, तीनों के फॉर्मेट्स बिल्कुल सेम हैं और डेटा भी सेम दिख रहा है जो कि मैंने कॉपी पेस्ट किया है। तो सबसे पहले कंट्रोलर पर आता हूँ, आइटम कलेक्शन, ये बिल्कुल वही चीज़ है जो राइट क्लिक करके मैंने यहाँ से लिया था, आप यहाँ से भी ऐड करवा सकते हैं या डिलीट करवा सकते हैं। फिर यहाँ पर सॉर्टेड का एक फीचर मौजूद है कॉम्बो बॉक्स वन के प्रॉपर्टी में, आप अगर इसको यहाँ से ट्रू कर दें तो जो चीज़ें आपने अनसॉर्टेड यहाँ पर करी थी डिसेंडिंग में, वो खुद ब खुद असेंडिंग में आ जाएगा। तो मैं इसे चेक करते हैं, कंट्रोल एफ फाइव। अच्छा जी, वो ऑलरेडी रन था, मैंने उसे कैंसिल किया, ये अब वो प्रोग्राम आ चुका है हमारे पास जो कि सॉर्ट करने के बाद बिल्ड हुआ है। तो आप यहाँ पर चेंजेस देख रहे हो कि ए से स्टार्ट हुआ और असेंडिंग ऑर्डर में ये चीज़ें सॉर्टेड पे चल रही हैं, जबकि अनदर वन जो है आप उस पर देख सकते हो कि यहाँ पर चीज़ें सॉर्टेड नहीं। फिर दूसरी बात ये कि ये कॉम्बो बॉक्स डिफ़ॉल्ट तौर पर मौजूद है, और जब तक आप यहाँ पर क्लिक नहीं करते हो उस वक्त तक ऑप्शन शो नहीं होता। देन दूसरे कॉम्बो बॉक्स पे चलते हैं, ऑल दो यहाँ पर वैल्यू जो है वो सॉर्टेड नहीं है, तो कुछ फीचर्स यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं। तो ऑटो कस्टम सोर्स यहाँ पर मौजूद है, और इसी तरह ऑटो कंप्लीट मोड। तो ऑटो कंप्लीट मोड पर आएंगे आप, यहाँ पर कोई भी सजेशन नहीं ली हुई गई है, यानी कि जो चीज़ें आप यहाँ पर लिखोगे वो अपेंड नहीं हो रही हैं, ठीक है, यानी आपका पार्ट नहीं बन रही है प्रोजेक्ट का। तो सजेशन पर आप क्लिक करोगे तो ये क्या करेगा, जो भी चीज़ आप यहाँ पर लिखोगे तो उससे रिलेटेड इंटेलिजेंस में नीचे शो कर देगा। तो पहले मैंने यहाँ पर सजेस्ट लिखा और उसके बाद प्रोग्राम को रन किया, सेकंड कॉम्बो बॉक्स के अंदर मैंने ये फीचर अप्लाई किया। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, तो ये चीज़ अभी शो नहीं हो रही है, ऑल दो यहाँ पर सेलेक्ट का ऑप्शन मौजूद है, तो मैं इसे कैंसिल करता हूँ, बैक चलता हूँ, और दूसरा ऑप्शन यहाँ पर ऑटो कम्प्लीट सोर्स है जो कि नन हुआ है, तो इसे मैं यहाँ से आने के बाद लिस्ट आइटम पे कर देता हूँ। देन हम यहाँ पर सर्च करते हैं कि क्या ये चीज़ प्रॉपर शो हो रही है। तो जैसे ही मैंने एस लिखा तो लिस्ट के आइटम के ऑप्शन पे आप देख रहे हो, यहाँ से आप इस साइज़ को इंक्रीज भी कर सकते हो और इसी तरह डिक्रीज भी कर सकते हो, जिसका ताल्लुक इंटेलिजेंस से, यानी वो डिफ़ॉल्ट तौर पे नीचे ऑप्शन दे रहा है। मुमकिन है कि आपने जो टेक्स्ट लिखा हो वो काफ़ी बड़ा हो, तो आप विजिबल भी यहाँ से इस चीज़ को करके देख सकते हैं। तो जैसे ही आपने एस लिखा तो एस से रिलेटेड जितने टैग्स होंगे वो यहाँ पर शो हो जाएंगे। आप दूसरे वर्ड को लिखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ एस ई से शुरू होने वाले होंगे, ठीक है, एस हट जाएगा। फॉर एग्जांपल आप एस ए के साथ भी वर्ड मौजूद है, एस ई के साथ भी मौजूद है, तो वो वहाँ पर शो हो जाएगा, जो कि इंटेलिजेंस में यूज़र की यू आई के लिए प्रॉपर वे है, ताकि वो आसानी के साथ चूज़ कर सके वहाँ पर जो टैक्स चाहिए। बैक करते हैं, दोबारा इसी कॉम्बो बॉक्स पर आता हूँ, और यहाँ पर सजेशन मौजूद था, इसी तरह आप अपेंड पर आएंगे, ठीक है। तो अपेंड से क्या होगा, मैंने अपेंड को यहाँ पर क्लिक किया और उसके बाद प्रोग्राम रन करता हूँ। तो आप अपेंड पे देखोगे कि मैंने जैसे एस प्रेस किया उसने इंटेलिजेंस पे नीचे शो नहीं किया, सजेशन नहीं दी, बल्कि वो टेक्स्ट बॉक्स के अंदर यानी कॉम्बो बॉक्स के अंदर वो वर्ड लेकर आ गया जो एस से आपके ऑप्शन पे मौजूद, ठीक है। इसी तरह इस चीज़ को हटाने के बाद आप दोबारा क्लिक करो यहाँ पर और इसकी प्रॉपर्टी पर आओ, जहाँ पर अभी आपने अपेंड लिया है, आप इन दोनों को एक साथ भी यूज़ कर सकते हो,
तो थर्ड ऑप्शन को मैं ओके करता हूँ और उसके बाद अपने प्रोग्राम को रन करता हूँ। तो अब जब यहाँ पर मैं एस लिखूँगा तो आप देखें अपेंड भी हुआ, सजेस्ट के साथ साथ इंटेलिजेंस पे वो चीज़ शो भी हो गई, जो कि दोनों यूज़र के लिए इन टर्म ऑफ यूआई एक बेहतर अप्रोच है, ताकि यूज़र आसानी के साथ अपनी रिक्वायर्ड वैल्यू इंसर्ट करवा सके। देन इसके बाद मैं दोबारा इस प्रॉपर्टी पे क्लिक करने के बाद बैक करता हूँ और लिस्ट आइटम को यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल ऑल यूआरएल, और इसी तरह से आप फाइल सिस्टम पे भी ला सकते हैं इसे और कस्टम सोर्स पे भी ला सकते हैं। कस्टम सोर्स को क्लिक करने के बाद मैं रन करता हूँ और यहाँ पर ऐसे लिखता हूँ तो आप देख रहे हो कस्टम पे वो चीज़ें नहीं आ रही हैं जो कि बिफोर पे लिस्ट आइटम के अंदर मौजूद थी। तो ये अकॉर्डिंग टू द नीड पे डिपेंड करता है, जहाँ पर जिस चीज़ की ज़रूरत होती है हम उस फीचर को वहाँ पर यूज़ कर रहे होते हैं। ओके, तो मज़ीद फीचर्स हम इसकी प्रॉपर्टी पे आके देखते हैं। तो कॉम्बो बॉक्स 2 इस वक्त सिलेक्शन पर है। डिफ़ॉल्ट तौर पे जो इसकी स्टाइलिंग मौजूद है एरो के साथ, ये जो साइन आप देख रहे हो यहाँ पर, इसकी चेंजेस करने के लिए आप इसकी प्रॉपर्टी पर आओगे, फ्लैट स्टाइल पर आओगे तो ये सिस्टम पर मौजूद है। ऑल दो आप इसे फ्लैट कर सकते हो, तो फ्लैट पर आप साइन देख रहे हो यहाँ पर चेंज हो चुका है। फिर इसी तरह आप इसे स्टैंडर्ड पे कर सकते हो और इसी तरह सिस्टम पे भी कर सकते हो। तो हम एक दफ़ा पॉपअप पे आते हैं और उसके बाद इसके आउटपुट देखते हैं कि पॉपअप पे इसका आउटपुट कैसा हो रहा है। तो आप देख रहे हो कि जिस चीज़ पर सिलेक्शन है उससे ये कितना चेंज है, और जब मैं होवर कर रहा हूँ तो उसका इस पर एक इफेक्ट भी आ रहा है। देन एरो को क्लिक करूँगा तो इस पर वो ऑप्शन आ जाएगा, बाकी चीज़ें डिसेबल हैं, इनेबल यहाँ से हो सकती हैं, आप उस पर क्लिक करें वो चीज़ विजिबल हो जाएगी। देन इसके अलावा मज़ीद फीचर्स भी इसके अंदर मौजूद हैं। आप इसके विर्थ हाइट को डिस्टर्ब कर सकते हैं, बैकग्राउंड फोरग्राउंड कलर को चेंज कर सकते हैं। ये बैक कलर यहाँ पर वाइट मौजूद है, आप यहाँ से बैकग्राउंड के कलर को चेंज कर सकते हैं, इसी तरह फोरग्राउंड कलर को भी आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो बैक कलर मैंने यहाँ से चेंज कर दिया और इसी तरह आप फोरग्राउंड के कलर को भी चेंज कर सकते हैं, फोरग्राउंड विच मीन टेक्स्ट का कलर। तो यहाँ पर मैं आऊँगा इसके कलर को, फॉर एग्जांपल मैं ये कर देता हूँ, देन कंट्रोल एस कंट्रोल एफ फाइव करते हैं तो आप देख रहे हो कि टेक्स्ट का कलर रेड या रेड से रिलेटेड जो भी कलर चूज़ किया, जबकि बैकग्राउंड का कलर वो हो गया जो कि मैंने फोरग्राउंड से चूज़ किया था। देन दोबारा क्लिक करते हैं। इसी तरह फ्लैट साइज़ हमने यहाँ पर देख लिया, इनेबल ट्रू, ठीक है, सारी चीज़ें यहाँ पर जो चीज़ें सिलेक्शन की जाएंगी वो ट्रू है। यहाँ से आप इसे फॉल्स भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द नीड। और ऑटो सोर्स पे हमने ये दोनों ऑप्शंस अभी अब देखे कि ये सजेशन अपेंड और सजेस्ट अपेंड क्या चीज़ है, और इसी तरह जो सोर्स है इसका वो किस तरह से कंप्लीट होगा, लिस्ट से होगा या उसके अलावा है, वो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। और अलाउ ड्रॉप का ऑप्शन जो है यहाँ से ट्रू है, यानी जो ड्रॉप के ऑप्शन पे आपको ये चीज़ें शो हो रही हैं वो ट्रू हैं, फॉल्स कर देंगे वो ऑप्शन शो नहीं होगा। तो इस ऑप्शन के थ्रू हम कॉम्बो बॉक्स को हैंडल कर रहे होते हैं। ऑल दो कॉम्बो बॉक्स को प्रॉपर तरीके से हैंडल करने का तरीका हम उस वक्त ज़्यादा बेहतर तरीके से सीख पाएंगे जब हम यहाँ पर वैल्यू डेटाबेस के बिहाफ पर लेकर आएंगे। ठीक है, ये तो यूआई के बिहाफ पर था कि वैल्यू किस तरह से दिखेगी, उसमें वैल्यू किस तरह से आएगी। जब आप इस पर क्लिक करते हो और क्लिक करने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है यूज डेटा बाउंड आइटम, तो ये वो बाइंड आइटम है जिसके ज़रिए से आप डेटाबेस से वैल्यू लेकर आ रहे होते हो। तो डेटाबेस से वैल्यू लाने से फ़ायदा क्या होगा कि जो ऑप्शन आप फर्स्ट कॉम्बो बॉक्स पे सेलेक्ट करोगे उससे रिलेटेड डेटा यहाँ पर आ जाएगा। फॉर एग्जांपल आप यहाँ से सेलेक्ट करते हो मंथ या डेट सेलेक्ट करते हो, तो बाज डेट के सिनेरियो में क्या होता है, पहले आप मंथ सेलेक्ट करते हो देन डेट सेलेक्ट करते हो। तो अगर आप फैब सेलेक्ट करोगे तो डेटाबेस से वैल्यू जो आएगी कि 1 से लेकर 28 तक की आएगी, तो इनेबल और डिसेबल का वहाँ पर सवाल पैदा नहीं होता कि यहाँ पर 29 और 30 को इनेबल करना है या नहीं करना है। तो उसकी प्रॉपर एप्लीकेशन वहाँ पर हमें समझ में आती है जब पहले के बिहाफ पर हम सेकंड पर डिसीजन ले रहे होते हैं। क्लियर?